अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ शेर अहमद और आप देख रहे हैं शेर अहमद यूट्यूब चैनल। पहली वीडियो में मैंने आपको वर्ल्ड पेड की आधी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको वर्ल्ड पेड कम्प्लीटली बता दूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी मेन्यू। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट हम अपनी टाइपिंग को ड्रैग लेफ़्ट की तरफ मूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये पहले से यहाँ पे मौजूद है तो हम इंक्रीज़ इंडेंट यूज़ करेंगे। इंक्रीज़ इंडेंट यूज़ करके हम अपनी टाइपिंग को राइट की तरफ लेकर जा सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब वापस लाने के लिए हम उसके साथ वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है स्टार्ट अ लिस्ट। इसमें हम अपनी टाइपिंग को, अपने जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको अगर हम पॉइंट्स की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से कोई भी मर्जी का स्टाइल चूज़ करके लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है लाइन स्पेसिंग। इसमें हम दो लाइनों के दरमियान स्पेस रख सकते हैं कि उसमें 1.0 की स्पेस हो या 1.5 की हो या 2 की स्पेस हो, हम मर्ज़ी से लाइनों के दरमियान स्पेस रख सकते हैं। इसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं इसको अलग अलग साइज़ दे रहा हूँ स्पेस। इसके बाद हमारे पास होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हम अपनी टाइपिंग को लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी टाइपिंग लेफ़्ट से शुरू होगी। अब इससे अगला ऑप्शन है सेंटर का। अगर हम अपनी टाइपिंग को सेंटर में लिखना चाहते हैं या लिखी हुई टाइपिंग को सेंटर में करना चाहते हैं तो हम सेंटर पर क्लिक करेंगे तो वो सेंटर में हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है अलाइन टेक्स्ट राइट। अगर आप अपनी टाइपिंग को राइट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं या राइट साइड पर लिखना चाहते हैं तो हमारे पास अलाइन टेक्स्ट राइट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमारे पास होता है जस्टिफाई का ऑप्शन। जस्टिफाई में अगर आप एक इंच से एक साइड से शुरू करते हैं और दूसरी साइड से भी एक इंच छोड़ना चाहते हैं तो आप जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों साइड से मार्जिन को बराबर रखेगा और आपका डॉक्यूमेंट में एक तरतीब से खूबसूरती आएगी। इसके बाद हमारे पास होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में एक थोड़ी सी सेटिंग है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि लेफ़्ट, लेफ़्ट का मतलब है कि आप पेज के लेफ़्ट साइड पर कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं, तो हमने एक इंच रख दिया। अब राइट है, राइट पर वैसे ही कि आप राइट पे कितनी स्पेस रखना चाहते हैं। इसके बाद फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि आप अगर आप नए पैराग्राफ शुरू करें तो नए पैराग्राफ की पहली लाइन में कितना स्पेस होना चाहिए स्टार्टिंग में, तो हमने 1.5 इंच रख दिया। जब हम ओके करेंगे तो हमारी लाइन 1 इंच के बाद शुरू होगी और 1 इंच के पहले ख़त्म हो जाएगी, और जब हम नए पैराग्राफ शुरू करेंगे तो पहली वाली लाइन 1.5 इंच से शुरू होगी और बाकी इसी तरह नॉर्मली स्टार्ट होगी। इसके बाद हमारे पास पिक्चर होती है। पिक्चर हम अपने वर्ड पैड में पिक्चर को ओपन करके इसमें कोई भी पिक्चर लगाकर उसके साथ हम कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हैं। अगर आप किसी तस्वीर के साथ टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई यादगार तस्वीर है, आपकी इम्पोर्टेंट तस्वीर है, उसके पीछे कोई हिस्ट्री या डॉक्यूमेंट है, आप उसके साथ लगाना चाहते हैं तो आप कोई भी फ़ोटो चूज़ करके आप इसको साइज़ भी दे सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और इसके साथ आप कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हैं और उसको सेव या मर्ज़ी के मुताबिक प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर मैं आपको एक फ़ोटो लगा कर दिखा रहा हूँ और ये आप इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैं इस तस्वीर को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी में। इसके बाद हमारे पास पेंटिंग ऑप्शन होता है। पेंटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पेंटिंग का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। इसमें आप पेंटिंग शीट को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और इस पर मर्जी की पेंटिंग करके आप इसको वर्ल्ड पेड पर लेकर जा सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर लकीरें लगाई और मैंने इसको जब आप ड्रैग क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वर्ल्ड पेड पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद डेट एंड टाइम होता है। डेट एंड टाइम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे फ़ोन के डेट एंड टाइम ओपन हो जाएंगे जो आप मर्ज़ी को चूज़ करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। आपका मौजूदा टाइम और तारीख दर्ज हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने से आपके पास कंप्यूटर के तमाम प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं जिससे आप मर्ज़ी का
प्रोग्राम क्लिक करके उसको चूज़ करके आप ओके करेंगे तो वर्ल्ड पेड के अंदर ही आपका वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और आप उस पर काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन किया था, जैसा कि आपने देखा इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आप मर्ज़ी का सिलेक्ट करके इसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद फाइंड है, फाइंड मैंने आपको नोटपैड में बता दिया था, किसी भी लफ्ज़ को तलाश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हमारे पास है रिप्लेस, रिप्लेस भी मैंने आपको नोटपैड में बता दिया था, इसमें हम एक लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल की मदद से आप तमाम डॉक्यूमेंट्स का टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट, कॉपी या कट पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वर्ल्ड पेड ख़त्म हो गया है तो हम कल से इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि हमारे कोर्स का मेन पॉइंट वो शुरू करेंगे। फिर आप मुझे इजाज़त दीजिए खुद।